दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कैसी भी सक्सेस टिप्स आपको कामयाबी नहीं दिला पाएगी अगर आप यहाँ चूक रहे हो तो। ये जो सारी बातें अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो मैं अपने आप में फील करता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और वही सब बातें मैं आज तुम सबके साथ भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि लगभग हर किसी की गलतियाँ सेम ही होती है। अपनी लाइफ में जीतने के लिए हर कोई तरीके बता रहा है कि अगर तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी, लेकिन आज मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम हार रहे हो, क्योंकि जीतने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं हार क्यों रहा हूँ। तो आ जाओ सारे शुरू करते हैं। नंबर वन, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में जाकर तुम चाहे इंटरनेट पर पढ़ लेना या फिर किसी भी बुक में पढ़ लेना, तुम्हें ये बात उन सब में ज़रूर मिलेगी कि वो तब तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए जब तक उन्होंने अपना एक रूटीन, एक टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। इलॉन मस्क, जिनके सपनों के लिए पागलपन की मैंने इससे पिछली वीडियो में बात की थी, वो भी अपना डेली का एक रूटीन बनाते हैं। हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करने के बाद भी वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। हफ्ते में 2 दिन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और हर हफ्ते में 5 घंटे कुछ ना कुछ नया सीखने में देते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि इस बंदे ने अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाया। तुम भी जब तक अपना फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक ये जिंदगी तुम्हें हराती रहेगी। नंबर टू, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। सोनू शर्मा को लगभग तुम सब जानते होंगे, इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिंदगी में गोल सेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बंदा उस वीडियो में बताता है कि न्यूजीलैंड में उनका एक फैमिली फ्रेंड था जो कि मार्केटिंग सेल्स में बहुत धुरंधर आदमी था। सोनू शर्मा ने जब उनसे पूछा कि यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, पढ़ लिख भी रहा हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि मुझे अपने गोल की लिस्ट बताओ। सोनू शर्मा बोले, मेरे पास तो कोई गोल लिस्ट नहीं है, पर क्या अगर मैं अपने गोल्स की लिस्ट बनाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि बिल्कुल, 100% योर लाइफ कैन बी चेंज इफ यू हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। तुम एक 100 गज का मकान अगर बनाने की सोचते हो तो उस मकान को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा बाथरूम कहाँ होगा, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ होगा। यानी उस मकान की नींव खुदने से पहले 2 से 3 महीने का एक काम होता है कि इस मकान में कौन सी जगह क्या बनाना है। मकान तो एक छोटी सी चीज है, तुम्हारी लाइफ की डिजाइनिंग मकान की डिजाइनिंग से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू डोंट वर्क एट ऑल। इसीलिए 95% लोगों की लाइफ के मकान आड़े टेढ़े तिरछे ही बनते हैं, और तुम्हारी जिंदगी के मकान का भी ऐसा ही हाल होगा अगर तुम उसके डिजाइन पहले से डिसाइड नहीं करोगे। इसलिए दोस्तों, अगर तुम भी अपनी जिंदगी को सही शेप देना चाहते हो, उसकी नींव मजबूत और परफेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करो कि तुम कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ताकि तुम आगे जाकर कहीं भी अटको नहीं। नंबर थ्री, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी जीत की जरूरत ही नहीं है। सक्सेस की बात जब आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जब जिंदगी को जीतना हो तो ऐसा क्या थॉट आता है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे ये अपने आप के लिए करना होगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। तो यही जो जरूरत है वो अगर तुम्हारे अंदर है कि मुझे ये हासिल करना है, अपनी जिंदगी को जीतना है, मेरी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, मेरी फैमिली को वो सब कुछ देना है जिसका वादा मैंने उनसे किया था, तो ही तुम जीत पाओगे। सबसे पहले अपनी जरूरतों को ढूंढो कि अगर तुम अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो तो क्यों जीतना चाहते हो, क्या वो चीज है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, इतने सक्सेसफुल होने की क्या जरूरत है तुम्हें, क्यों पैसा कमाना चाहते हो। अपनी जरूरत ढूंढो, जितनी ज्यादा बड़ी तुम्हारी जरूरत होगी तुम उतनी ही तेजी से अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारोगे। और अगर खुद से सवाल पूछने पर जवाब में कोई बड़ी जरूरत नहीं आती आपके लिए, तो भूल जाओ कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी जीत पाओगे, क्योंकि जिसे जीत की जरूरत होती है वही उसके लिए मेहनत करता है, और जिसे जरूरत ही नहीं है अपनी जिंदगी को जीतने की, उसके आगे अगर तुम एक सीढ़ी भी लाकर रख दोगे कि ले भाई ये तेरी जीत की सीढ़ी है इस पर चढ़ जा, फिर भी वो इंसान उस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है जीत की। सो जब तक तुम्हारी जरूरत बड़ी नहीं होगी तब तक तुम हारते रहोगे। नंबर फोर, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, ये तुम्हें सिखाता है कि काम होता कैसे है। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे एक्सपर्ट बनते रहोगे। जादव मोलाई पयंग, 30 साल लगातार मेहनत करके पेड़ लगाए और एक बंजर जमीन को घना जंगल बना दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी, लगातार। 22 साल तक मेहनत करने के बाद मांझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी, लगातार। तुम भी अपनी जिंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम ये मेहनत करने को तैयार नहीं हो, कंसिस्टेंट रहने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा अपनी जिंदगी में जीतना बहुत मुश्किल है। नंबर फाइव, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम जिंदगी में हार रहे हो, इसका एक रीज़न ये भी है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाओ, अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर।
अपनी उन सारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही है, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है और तुम आराम से अपने गोल्स अचीव कर लोगे, अपना फ्यूचर बना लोगे, तो ये जान लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इवन तुम खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, निकाल दो दिमाग से सारा कचरा और सिर्फ एक गोल रखो कि मुझे जीतना है, हारना नहीं है। बस जब तुम अपने आप पर कंट्रोल कर लोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो जीत जाओगे, अदरवाइज तुम्हें हर मोड पर हार मिलेगी। नंबर 6, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई नए आइडियाज़ नहीं है। जब तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे होते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो, नए आइडियाज़ की खोज नहीं करते हो, तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम्हारे पास एक बढ़िया सी गाड़ी है और तुम उसे बस घर पर खड़ी करके देख रहे हो। अपनी गाड़ी को बाहर निकालो, उसका इस्तेमाल करो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करो, तब जाकर तुम्हें ये मालूम चलेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान एक अलग काम कर रहा है। और अब सेम इसी चीज़ को तुम खुद पर भी अप्लाई करके देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाओगे, उससे नई चीज़ें नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने तरह के लोग यानी आइडियाज़ रहते हैं, दिमाग में क्या है, कितना गहराई में ये सोच सकता है। इसे सोचने पर मजबूर करो। तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा हथियार है ये मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर तुम अपने आप पर काम करते हो तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरेगी। एंड एट लास्ट नंबर 7, तुम खुद की वजह से हार रहे हो, हर बार हार रहे हो। क्यों? कुछ भी करने की कोशिश करते हो लेकिन उसमें फेल। क्यों? पूछो एक बार अपने आप से ये सवाल कि मैं क्यों हार रहा हूँ, क्यों अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम में से ज़्यादातर इवन 90% से ज़्यादा लोगों को यही मिलेगा कि उनकी हार का कारण वो खुद है। आज के टास्क कल पर, कल के परसों, परसों से फिर तरसों, ये चलता रहता है लेकिन वो टास्क कंप्लीट नहीं होता। तुम खुद वो इंसान हो जो तुम्हें रोक रहा है जीतने से, वरना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी अगर तुम सच में जीतना चाहते हो। कोई क्यों रोकेगा तुम्हें? किसी को नहीं पड़ी है कि तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम अमीर बन भी जाते हो या नहीं बनते हो। वो 2 दिन याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम अगर नहीं जीत पाए, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। इसीलिए दोस्तों, अपने हारने के सारे रीजंस को खत्म कर दो। एक एक करके जब आपके हारने के सारे रीजंस खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जीत हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने हारने के इन सारे रीजंस से रिलेट कर पाए हो तो वीडियो पर कमेंट करके इसे शेयर जरूर करना, और इसी तरह की और भी लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।